दोस्तों, आप लोग जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो पहले उसकी डिटेल्स देखते होंगे कि शेयर का प्राइस क्या है, कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं, एटसेट्रा। ये सब डिटेल्स कंपनी को एक डॉक्यूमेंट में देनी होती है जिसे प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। प्रोस्पेक्टस कई टाइप के होते हैं, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। किसी किसी प्रोस्पेक्टस में तो इशू से रिलेटेड प्राइस और क्वांटिटी की डिटेल्स भी नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी आईपीओ निकालने के टाइम पे सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सबमिट करती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, लाइक प्रोमोटर्स की डिटेल्स, रीजन फॉर रेजिंग मनी एटसेट्रा। बट इसकी खास बात ये है कि इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कि इसका प्राइस और क्वांटम यानी नंबर ऑफ शेयर्स। रेड हेरिंग में बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है। बुक बिल्डिंग का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर्स का फिक्स प्राइस नहीं देती, बल्कि इशू प्राइस को डिस्कवर किया जाता है। इसको इन्वेस्टर्स की डिमांड के बेसिस पर डिस्कवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स ने अलग अलग तीन टाइप के प्राइस के लिए बिड किया, 90, 100, 110। तो कंपनी इनमें से वो प्राइस चूज करेगी जिसमें सबसे ज्यादा बायस इंटरेस्टेड होंगे। इसी प्रोसेस को बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। एक बार प्राइस फिक्स होने के बाद कंपनी फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें प्राइस और क्वांटम की डिटेल्स भी होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों बोला जाता है। देखिए, कंपनी चाहती है कि उसको पब्लिक फंडिंग मिले, इसलिए वो जो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे ऑब्वियसली वो उसमें अपने बारे में बस अच्छा अच्छा लिखेंगे। और अगर कुछ चेंज भी करना हो तो कंपनी बाद में आसानी से कर सकती है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए सेबी ने प्रोस्पेक्टस में कंपनी के लिए कुछ चीजें मेंशन करना मैंडेटरी किया हुआ है, जैसे कि इसमें रिस्क क्या हो सकता है, प्रोमोटर की डिटेल्स, कंपनी पैसा क्यों रेज कर रही है एटसेट्रा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इन सब चीजों को रेड कलर में हाईलाइट किया जाता है, इसलिए इसको ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। अब जब आप लोग किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस कंपनी के पोटेंशियल को जानने के लिए आप उसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को रीड कर सकते हैं। लेकिन आरएच भी थोड़ा लेंदी डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसलिए आगे हम डिस्कस करेंगे एज एन इन्वेस्टर आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या देखना चाहिए। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जियोजित में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को कैपिटल मार्केट में 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और जिनके 1 मिलियन से ज्यादा क्लाइंट्स हैं और इनके पूरे इंडिया और जीसीसी कंट्रीज मिलाकर 460 प्लस ब्रांचेज हैं। इनके स्मूथ ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जियोजित से आपको रिसर्च रिकमेंडेशन इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में मिल जाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इनके पास स्मार्ट फोलियोज हैं जहां पे आपको रेडीमेड स्टॉक बास्केट मिल जाते हैं जिसमें वेल रिसर्च स्टॉक होते हैं। आपको इंटरनेट, फोन, व्हाट्सएप के साथ कंट्री वाइड ब्रांच नेटवर्क से भी क्लाइंट सपोर्ट मिलता है, ये इनकी एक खासियत है। आप इन 5 सिंपल स्टेप्स के जरिए जियोजित में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मोबाइल नंबर और कैप्चा को एंटर करें, अपना नाम और ईमेल एड्रेस एंटर करें, पैन नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, अगर पैन वेरीफाइड नहीं है तो डिजी लॉकर या ऑफलाइन आधार में से चूज करें, अपने बैंक डिटेल्स जैसे IFSC अकाउंट नंबर एंटर करें, डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, बैंक प्रूफ अपलोड करें और ई साइन करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए जियोजित में 0 चार्जेस हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप अभी डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 15,000 रुपये का पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में एज एन इन्वेस्टर किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी की स्ट्रेंथ होती है जो कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से अलग करती है। इसको जानने से आपको कंपनी के पोटेंशियल का पता चलेगा कि वो कितना ग्रो कर सकती है। अगला है इंडस्ट्री एंड बिजनेस ओवरव्यू। इस सेक्शन से आपको पता चलेगा कि कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है। इसमें आपको कंपनी की अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के बारे में भी पता चलेगा। अगला है स्ट्रेटजीज। इसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी की अप्रोच क्या है, जैसे कि प्रोडक्ट लेवल स्ट्रेटजीज, टारगेटिंग एटसेट्रा, यानी कि कंपनी की बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या प्लानिंग है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस। इस सेक्शन में आपको ये पता चलेगा कि अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करने के लिए कंपनी कौन कौन से सिस्टम्स एंड प्रोसेस फॉलो करती है। इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिटेल्स मिलती हैं, क्वालिटी का पता चलता है, इस तरह की और भी इंटरनल प्रोसेस का पता चलता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज।
इसमें उन सब लॉज की डिटेल्स होती हैं जो उस कंपनी पर एप्लीकेबल होती हैं। इस इंफॉर्मेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाली कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज उस कंपनी को अफेक्ट कर सकती हैं। अगला पॉइंट है हिस्ट्री। जनरली क्या होता है, एक कंपनी कुछ सालों तक बिजनेस करने के बाद आईपीओ इशू करती है, तो आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि वो पास्ट कुछ ईयर्स से प्रॉफिट में थी या नहीं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। इस सेक्शन में आपको पता चलता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन हैं और उनसे रिलेटेड और भी डिटेल्स मिलती हैं। आप उनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उनके पास रिकॉर्ड क्लीन है। नेक्स्ट इज डिविडेंड पॉलिसी। आप कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी चेक कर सकते हैं कि वो कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो कितना रिटेन करेंगे। अगला है रिस्क फैक्टर। इस सेक्शन को सेबी ने मैंडेटरी किया हुआ है कि कंपनी को यह बताना होगा कि इन्वेस्टर्स को पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं, तो आपको ये सेक्शन जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑफर। इस सेक्शन से आपको ये पता चलता है कि कंपनी आईपीओ क्यों इशू कर रही है, मतलब कंपनी को इस इशू से जो पैसा मिलेगा उसका वो कहाँ पे यूज करने वाले हैं, जैसे कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं या फिर लोन को रीपे करना चाहते हैं एटसेट्रा। अगला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको ऑडिटर की रिपोर्ट मिलेगी और बाकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, लोन्स, कैश एटसेट्रा। तो ये हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देखनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कंपनी के ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहाँ पर मिल सकते हैं। ये आपको सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको फाइलिंग वाले सेक्शन में जाकर, पब्लिक ऑफर में जाकर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सिलेक्ट करना है। तो आपको जो भी आईपीओ आने वाले हैं या पास्ट में जितने भी आईपीओ हिस्ट्री में इशू हुए हैं, उन सब के आरएचपी आप यहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।